हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उषा किचन रेसिपी में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चटपटी सोहाली। तो सोहाली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है 1 kg मैदा। 1 kg मैदे में डालेंगे 1 कटोरी आटा, 2 से 3 चम्मच अजवाइन। मैंने 2 चम्मच नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। 1 चम्मच लिया है शुगर, सोहाली में अच्छा टेस्ट आने के लिए। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये आटा और मैदा साथ में मिक्स कर लिया है मैंने। 1 कप के लगभग इसमें ऑयल डालेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों हाथों के बल, ऐसे करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मुट्ठी के अंदर ऐसे लड्डू बन जाए तो समझ लेना कि ऑयल में आटा तैयार हो चुका है। ये सोहाली के लिए आटा तैयार हो चुका है। ये आटा देखिए कितना टाइट है, टाइट लगाना चाहिए सोहाली के लिए, इतना टाइट होगा ये। अब हम इसको इतनी छोटी छोटी लोई बनाएंगे, इतनी छोटी छोटी, और हाथों के बल ऐसे करते हुए ऐसे कर लेंगे इसको, इतनी छोटी छोटी शेप में ऐसे कर लेंगे हम। पूरा आटा की शेप में ऐसे पहले करके रख लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ये ऐसी शेप में हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ में तो देख लेते हैं ऑयल गर्म हुआ या नहीं। ऐसे हाथ करके एक डालकर देख लेते हैं तेल आया है नहीं आया, तेल गर्म हुआ या नहीं। यह सोहाली पककर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर है, मार्केट जैसी सोहाली बनी है।